हेलो हाय बच्चों, आइए मैथमेटिक्स समझते हैं स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स आज की क्लास में जो हम समझने जा रहे हैं या सीखेंगे या समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं समझने। सेम वही वे है, उसी वे से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है। तो आप मैथमेटिक्स हम समझ रहे हैं। मैं हूँ विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, फुली कंसंट्रेशन से समझेंगे तभी जाके समझ आएगा। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अतः ये क्वेश्चन जो गिवन आपके सामने फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप टेक करता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसमें पावर 2-3x एंड dx, एक्सपोनेंशियल टर्म में पावर है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी डेरिवेटिव हमने परफॉर्म की तो एक्सपोनेंशियल टर्म की डेरिवेटिव सेम है जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है वही। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन भी सेम एज एन एक्सपोनेंशियल टर्म प्लस सी, ये है। तो मींस एक्सपोनेंशियल टर्म वो है टर्म है जिसकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों सेम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में, एक्सपोनेंशियल टर्म ई पावर एक्स में सिंगल वेरिएबल पावर में, जिसे पावर में सिंगल वेरिएबल नहीं है, इक्वेशन है। सिंपल एक्सपोनेंशियल टर्म में सिंगल वेरिएबल हो उसकी इंटीग्रेशन सेम एज इट, वही एक्सपोनेंशियल टर्म है, डेरिवेटिव वही होगी। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो क्वेश्चन गिवन आ रहा था उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म पे सिंगल वेरिएबल नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। मींस सपोज लेंगे जो भी पावर में है कंप्लीट टर्म को, ताकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सपोज लेंगे p इज इक्वल टू पावर में है 2-3x, तो 2-3x कंप्लीट को सपोज लेंगे, x वेरिएबल को p में कन्वर्ट किया, तो डेरिवेटिव करेंगे ताकि dx भी कन्वर्ट हो जाए। तो डिफरेंशिएट कर परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, d बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx टू 3 d बाय dx ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, सो ये dp डिवाइडेड बाय dx कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0, 3 इनटू x की डेरिवेटिव x के हिसाब से होगी 1। तो फाइनली dp डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू -3 × 3, 0 भी कोई मायने नहीं है। एंड dx यहां पर ये डिवाइड में है, अगर उस साइड में शिफ्ट करेंगे dx चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक, नेगेटिव साइन है। समझ में आया? अब dx सिंपल dx चाहिए, तो -3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड में शिफ्ट करेंगे आ जाएगा डिवाइड में, तो dx मिला हमें dp डिवाइडेड बाय 3 के। ठीक है बेटा, चलो ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, वापस इसी क्वेश्चन की तरफ होते हैं एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो देखें, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन 1 है e पावर 2-3x इनटू dx, ये ऐसे इक्वेशन लिखी। अब इसमें क्या हमने चेंजिंग की है, e पे जो पावर उस कंप्लीट को हमने सपोज किया था p, एंड dx जो है वो मिला है dp डिवाइडेड बाय -3 के, ये आपके सामने हो गया सही। अब dp डिवाइडेड बाय -3 एज ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट है बाहर ले आएंगे, ताकि e पावर p एंड dp एक्सपोनेंशियल टर्म के सिंगल वेरिएबल आ गए। पहले एक्सप्रेशन थी तो सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट किया, अब e पावर p की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p के हिसाब से सेम e पावर p प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, सिंपल सही है। सो -1 डिवाइडेड बाय 3 e पावर p सपोज वेरिएबल है 2-3x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, ये आंसर आई पास का बेटा, क्लियर है? तो ये है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अब आपको उसको डायरेक्ट देखकर आंसर कैसे देख सकते, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं। अब देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी वही सेम है, जस्ट एक्स वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट है वो उसके डिवाइड होगा। जैसे देखिए एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, -3 है, साइन का क्या लग रहा है, तो -1/3 डिवाइड में है। आई बात समझ में, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन और कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसमें पावर में अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो एक्सपोनेंशियल टर्म सेम है जो भी वो, एक्स वेरिएबल का
का कोफिशिएंट डिवाइड आ गया, बस सिंपली ये ध्यान रखना है। आई बस समझ में ठीक ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट जो हमने समझा। सो भाई नेक्स्ट पार्ट इसके साथ साथ समझ लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या चलेंगे वो कैसे समझेंगे। तो ये है नेक्स्ट पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। अब ये थोड़ा सा चेंज जरूर है। अब देखें e पावर 3x स्क्वायर प्लस 2, अब देखें एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर में जो वो एक इक्वेशन कौन सी अवेलेबल पे पावर 2 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। x जो पहले ये मौजूद है मैं इसको rearrange करके dx के साथ शिफ्ट कर रहा हूं, सही है क्लियर। अब एक्सपोनेंशियल टर्म पे पावर में एक इक्वेशन और एक्सप्रेशन है तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्या करेंगे उस एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। मैं सपोज लेंगे लेट सपोज p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2, जो भी पावर में है वो सपोज ले लिया, जो भी के सपोज लेने के बाद क्या करना है, सपोज लेने के बाद इसकी डेरिवेटिव करनी है विद रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये होगी डी बाय डी एक्स ऑफ वेरिएबल पी, थ्री कोफिशिएंट है तो बारह गया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाय डी एक्स ऑफ टू हर टर्म की सेपरेटली डेरिवेटिव डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स थ्री मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मीन पावर में टू आगे आ जाएगा, पावर में वन माइनस करेंगे डेरिवेटिव का टू एंड पावर एक्स पे तो एक्स की डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से वन हो गई प्लस कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव जीरो, सही बेटा। सो देखेंगे डी पी इक्वल टू थ्री टू दिक्स मल्टीप्लाई वन सिक्स वन सिक्स एक्स पे पावर टू माइनस वन मीन्स वन, एक्स पे वन पावर शो करने की जरूरत नहीं है प्लस जीरो कोई माना नहीं है, डी एक्स डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। अब एक्स सिक्स एक्स इंटू डी एक्स सिर्फ एक्स इंटू डी एक्स हमें चाहिए, सिक्स मल्टीप्लाई नहीं है इस साइड पे शिफ्ट करेंगे आ जाएगा डिवाइड में तो एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स मिल चुका है इस टर्म, सही है बेटा क्लियर समझ में आई। अब क्या करेंगे अब वापस इक्वेशन वन की तरफ मूव होंगे, टेक आउट करते हैं वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। सो नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स e पावर 3x स्क्वायर प्लस 2 x मल्टीप्लाई बाय dx, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लेफ्ट आउट की थी वो आपके सामने है। अब इसको सॉल्व करेंगे e पे जो पावर मौजूद है 3x स्क्वायर प्लस 2 उसको हमने ले सपोज किया है p के तो कंप्लीशन ऑफ b इक्वल आ गया x * dx स्क्वायर x * dx आपके सामने dp डिवाइडेड बाय 6 के, सो ये आंसर वैल्यू रिप्लेसमेंट, सही है बेटा क्लियर जहां तक। अब dp डिवाइडेड बाय 6 कांस्टेंट नंबर है मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कांस्टेंट हम बाहर ले आएंगे e पावर p dp के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल टर्म की इंटीग्रेशन सेम एज इट वो e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सो p को सपोज दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ये आपका सामने आई बस समझ बेटा क्लियर है साइन एज़ इट वही है जस्ट पावर में कौन सी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो सेम वही वे है जो पार्ट नंबर वन समझा है क्लियर है बेटा आई बात समझ में। तो प्रॉब्लम को फुली पहले कंसंट्रेशन समझे ताकि आप इसकी माइंड से सॉल्व कर सकें, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं तो इसके लिए फुली कंसंट्रेशन से समझिए एंड देन प्रैक्टिस में लाएं ताकि इजी समझ सकें, ठीक है बेटा क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट भी साथ साथ समझते हैं क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम है जितने ज्यादा होंगे क्लास में अच्छी बात है। तो जी बेटा ये पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है इसको समझते हैं, देखिए ये थोड़ा सा चेंज जरूर है। अब पार्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है कांस्टेंट नंबर पे पावर है माने को पार्ट में एक्सपोनेंशियल नंबर पे पावर था, पावर किस पे कांस्टेंट नंबर पे कोई इशू नहीं, अगर कांस्टेंट नंबर पे पावर तो देखें पावर में टू वाई वेरिएबल है सिंगल पर उसका कोफिशिएंट मौजूद है तो कोफिशिएंट मौजूद है तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सिंपली सिंगल वेरिएबल में लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे मगर उसका कोफिशिएंट वगैरह ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो इसको सपोज लेंगे, जो भी कांस्टेंट हमारे पास पावर है 2y सपोज लेंगे। सपोज लेने के बाद सपोज क्यों नहीं, आप देखिए ये है तो लीनियर साइन मगर इसका कोफिशिएंट मौजूद है, कोफिशिएंट नहीं चाहिए इसलिए हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी है विद रेस्पेक्ट टू y वेरिएबल है ऑन बोथ साइड, जो वेरिएबल गिवन है वो y है तो y के साथ में डेरिवेटिव होगी d / dy ऑफ p, जो कोफिशिएंट है d / dy ऑफ y वेरिएबल। तो ये dp divided by dy 2 multiply y की derivative with respect to y के साथ से 1, ठीक। तो dp is equal to 2 1 जा 2 and dy divided by side multiply में चला गया, ठीक। अब सिर्फ हमें dy चाहिए, इसके साथ कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 multiply में मिला है, इसकी need नहीं है। तो ये 2 multiply में इस side में shift करेंगे, आ जाएगा dp के divided में, तो जी का इसको simply dy की वैल्यू आपके सामने ये होगी, सही बेटा, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब वापस इक्वेशन 1 की तरफ आते हैं एंड समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 है a पावर 2y मल्टीप्लाई बाय dy, ये है प्रॉब्लम आपके सामने, ठीक है बेटा। तो अब रिप्लेसमेंट देखें कैसे हो रही है, a पे पावर जो 2 है उसको सपोज किया हमने p के एंड मल्टीप्लाई dy, dy हमें मिला dp डिवाइडेड बाय 2 के, सही है। अब dp डिवाइडेड बाय 2 एज अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर ले आए a पावर p एंड dp कांस्टेंट नंबर पे पावर इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू उसकी इंटीग्रेशन जो बना बाय 2 इनटू a पावर p डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये है इसकी इंटीग्रेशन। a पावर p कांस्टेंट नंबर पे पावर है उसके हिसाब से इंटीग्रेशन हो रही है, तो उसकी इंटीग्रेशन जो है a पावर p अपॉन लॉगरिथम ऑफ a प्लस c, ये फार्मूला इंटीग्रेशन का, ठीक है बेटा। तो आपको ये प्रैक्टिस करेंगे याद आ जाएगी, रट्टा नहीं मारना फार्मूला या इंटीग्रेशन, कोई रट्टा नहीं लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस में लाएंगे उसको वो ऑटोमेटिकली ज़हन में आ जाएगी। तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। अब सिंपली a पावर p सपोज्ड वेरिएबल है 2y, वापस वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये है p सपोज्ड वेरिएबल था उसको रिप्लेस कर दिया, बाकी द मेनिंग सेम, ओके बेटा आई पास समझ में क्लियर है, सेम जैसे एक्सपोनेंशियल टर्म की तरह था, मगर यहां पर कांस्टेंट नंबर में अगर पावर है तो उसकी अपनी इंटीग्रेशन, ये चीज आपको ज़हन रखनी है, समझनी है, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में तब आएगी, ज़हन का आप इन्हें गौर से कंसंट्रेशन से पूरी समझें एंड देन प्रैक्टिस करें, कम से कम 3-4-5 बार जरूर प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज वो आपको माइंड में स्टोर हो जाए, सही बेटा है, क्लियर है। तो अब फाइनली आप लोगों का फर्स्ट बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो हर वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट पार्ट्स के साथ मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।